गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। डे टू इन सेशंस। अभी हम अपने विक्टोरिया वाले जो एयरबीएनबी में वहाँ हैं। सुबह के करीबन 8 बज चुके हैं और ब्रेकफास्ट बना लिया है। सो दिस इज द ब्रेकफास्ट। कल रात को जो कॉन्ट्रैक्ट से मिल लिया था, दैट विल बी आवर ब्रेकफास्ट फॉर टुडे। और प्लान ये रहेगा आज का कि हम 8:30-9 बजे तक समथिंग यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे जेटी जहाँ से निकलती है प्रालीन आइलैंड्स के लिए। तो प्रालीन आइलैंड्स में 2 दिन रुकने का प्लान है। तो 10:30 की जेटी है, इट्स अ स्पीड बोट जो करीबन 1 घंटा लगाएगी। प्राइसेस लिटिल बिट हाई है यहाँ के जो फेरीज होती है उनके, तो करीबन आई थिंक 50 यूरो है इसका प्राइस, जो इंडियन करेंसी में 1000-1500 रुपये हो जाता है, समथिंग अराउंड दैट अमाउंट। सो 9000 तो 120 यूरो का लगा था, कैलकुलेशन भूल जाते कोई, 50 यूरो समथिंग है। और ठीक है, ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। सो वी आर ऑन द वे टू दैट जेटी प्लेस वेयर द वी हैव टू टेक द फेरी। इट्स लाइक 1.5 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग, सो वी जस्ट वॉकिंग, इट विल टेक अराउंड 20 मिनट्स। सो हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ से बोट लेनी है। तो बोट की जो कंपनी का नाम है वो कैट कोकोस। तो टिकट ले लिया है, आप चेक इन कराना है बस, फिर 9:30 से बोर्डिंग स्टार्ट होगी, 10 बजे बोट विल लीव। तो बैग चेकिंग कर लिया है और इस टाइप का एक छोटा सा टिकट दिया है ये वाला। तो एक बैग है तो ये बड़ा बैग है तो एक चेक इन, बाकी जो बैग लैपटॉप बैग है वो साथ में के चल रहे हैं। लाइन बहुत लंबी सी है, बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। वो बोट है जो बड़ी सी बोट दिख रही है आपको, 1 घंटे की राइड है, देखते कैसा होता है। AC कैबिन होगा, सो आई थिंक इट विल बी कम्फर्टेबल। Side of the island. Beautiful, right? Let's get the bags now. So now we are going to our hotel. It's like यहाँ से 3.5 से 3 किलोमीटर है और एक कैब भी है क्योंकि बसेस का अभी पता नहीं चल रहा है यहाँ पे इतना है या नहीं है। तो यू पेइंग अराउंड लाइक 100 SCR, करीबन 500 रुपये होते हैं 3 किलोमीटर की टैक्सी, इसलिए दैट्स व्हाई। चलो चलते हैं। पहुंच गया है हमारे होटल, नाम है A&D हॉलीडे होम। ये भी Airbnb से बुक किया है, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको आ रहे हो और बुक करना हो तो। ये है बिल्डिंग जिसमें हम रह रहे हैं, अंदर चलते हैं और देखते हैं रूम। बैठने का एरिया है, अंजलि हो रही, ये अंदर जाओ यहाँ से। ये है कॉमन एरिया, टीवी है और पता नहीं क्या है। डाइनिंग एरिया, ये है अपने किचन, माइक्रोवेव ऑल का स्टाफ। और आई थिंक यहाँ पे सिर्फ 2 रूम है और 1 बाथरूम में, मतलब शेयरिंग है 2 रूम के साथ आई थिंक। एंड ये रूम है, तो डबल बेड है और एक फ्रिज है छोटा सा, एक मिरर है और एक ये वार्डरोब है।
एंड आई थिंक हम जब चेक कर रहे थे booking.com और Airbnb, ये आई थिंक सबसे सस्ता वाला था, मतलब इससे सस्ता कुछ था ही नहीं. सो दैट इज द चीपेस्ट यू कैन गेट हियर एंड जस्ट लाइक आई थिंक वी पेड अराउंड 2000, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, आई विल पुट इट हियर समथिंग समवेयर अराउंड 2000. तो ठीक है, नाउ आई विल रिलैक्स अ बिट देन सी क्या करना है. सो अपने गेस्ट हाउस से बाहर निकल गए हैं, आपने देखा है लिबास हमारा चेंज हो गया है बीच के हिसाब से. सो अभी क्या करेंगे कि एक पास में एक होटल है वहाँ जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, अराउंड 1 बज गई है, और उसके बाद यहाँ के जो फेमस बीचेस हैं वहाँ जाएंगे. दाल आएगा और ये चिकन हो गया, इसके लगे हैं 60 रुपीज़, मतलब अराउंड 300 रुपये, प्लस एक स्मूदी ऑर्डर की है बनाना मैंगो की, वो 85 रुपीज़, वो ज़्यादा कुछ इस खाने से टोटल 145 रुपीज़ का भी बिल आया है, हो गया 600 रुपये समथिंग दो जनों का. चलो खाते हैं. रिव्यूज प्लीज. नाइस. सीरियसली तो जो बनाना एंड मैंगो का वियर्ड कॉम्बो वाला स्मूदी ऑर्डर किया था, एक्चुअली इट इज़ वियर्ड. स्टार्टिंग में तुमको इतना वियर्ड लगेगा कि ये क्या हो रहा है टेस्ट, मतलब यू विल नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द टेस्ट, बट देन इट ग्रोज इनटू यू, देन यू स्टार्ट लाइकिंग इट. सो सही है. आई लाइक इट बेटर देन करी. हो गया लंच, अब सोच रहे कहीं कोई बीच जाए. तो मीनवाइल ऑन द रोड बस स्टॉप पे पास आ रहे हैं, और ये देखो व्यू मिला है शानदार. रोड साइड ऐसा है तो बीच तो बहुत फाड़ू होगा. बस अब पता नहीं बस कब आएगी, मैंने सुना है बस की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है, हर एक घंटे में आई थिंक एक बस आती है. जो भी है जाना तो है ही. करीबन 40-50 मिनट्स वेट करने के बाद फाइनली बस मिल गई है, एंड चार्जेस लगे हैं अराउंड 7 सिशिलियन रुपी, मतलब हो गया 35 रुपये, और 3 किलोमीटर का ये राइड है समुद्र के किनारे से. तो आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ राइड, बस राइड, हम यहाँ आ गए हैं. इस प्लेस का नाम है कॉटे डी और समथिंग, एक मिनट को, कॉटे डी और बीच. सो लेट्स गो. देख के दिमाग ख़राब हो जाएगा भैया, इतना तगड़ा बीच लग रहा है ये मेरे को. वाह, इससे बढ़िया कोई बीच देखा है लाइफ में? मैंने तो नहीं देखा. आई थिंक अब तक का जो वर्ल्ड में जितना भी घुमा हूँ 5-6 कंट्रीज, इज द बेस्ट बीच टिल नाउ. पूरा वाइट सैंड बीच है. थोड़ा पानी इंजॉइंग एट द बीच, वापस आ गए थोड़ा बाहर बीच के, बस स्टॉप पे है, बस का वेट कर रहे हैं, पता नहीं कब आएगी यहाँ पे, शायद तक बसेस इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं है. तो लास्ट बस आई थिंक आधा घंटा पहले निकली थी और इट वॉज़ फुल, सो रुकी ही नहीं, तो आधा घंटा और मे भी वेट करना होगा, फिर पहुँचेंगे होटल के पास में एक बस स्टॉप पर, और खाने का इंतजाम करना पड़ेगा रात का, कि जो भी लेना है या फिर कुछ बनाना है, बस यही है. और रात को नाइट लाइफ तो इतनी है नहीं, बस होटल में जाओ चिल करो, यही है. बैक टू रूम, बस आधे घंटे समथिंग में मिल गई थी, उसके बाद जा उन्हें बस ने उतारा, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट टाइप का था, तो खाना पैक करा लिया है, और एक फ्रेंच फ्राइज ली है और बर्गर लिया है जो रात को भी खा लेंगे, क्योंकि जो एरिया है थोड़ा बहुत आइसोलेटेड एरिया है, तो आसपास लाइक जहाँ से बस उतारा वहाँ से यहाँ वॉक करने में 15 मिनट लगे, और बिल्कुल सुनसान जंगल जैसा रास्ता था, और
गाड़ियाँ फुल स्पीड से आ रही थी, स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, थोड़ा स्केरी हो सकता है रात को, तो बेटर रहेगा कि आप पहले खाना वाना ले आइए, यहाँ पे रात को चिल करेंगे और क्या खाएंगे पिएंगे, बस आज का दिन ख़त्म हो गया ऐसे।